माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी इस समय उपस्थित हैं इस प्रमुख अवसर पर। सी प्लेन आमतौर पर भारत में एक नया कंसेप्ट कहा जा सकता है और समय के साथ साथ इसकी जो मांग है उसके बढ़ने की भी संभावना है। वर्तमान परिस्थितियों में इसकी प्रासंगिकता और ज़्यादा जान पड़ती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज इस सी प्लेन का न केवल उद्घाटन करेंगे, न केवल इस सेवा की शुरुआत करेंगे, बल्कि स्वयं भी इससे यात्रा करेंगे और ये यात्रा इनकी केवड़िया से साबरमती तक होगी। The seaplane service will connect two great visionary projects given by the Prime Minister to India, the Sabarmati front and of course now the iconic Sardar Patel statue. This seaplane service will cut travel time to Ahmedabad, which is around 200 kilometers from here and takes 4 hours to travel by road to just 45 minutes. So an attraction for tourists who'd like to come here from far-flung areas. This of course is only the first of the various services that have been started, an ambitious plan here. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार रहा है कि देश के यातायात में कुछ नए आयाम जोड़े जाएं। इसी दिशा में आज एक बहुत बड़ी पहल हो रही है। भारत में सी प्लेन की शुरुआत हो रही है। सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट तक का मार्ग अब सी प्लेन से जुड़ जाएगा। केवड़िया और अहमदाबाद के बीच आसान, सुगम और रोमांचक सफर सी प्लेन से तय किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री इस सी प्लेन सेवा का औपचारिक शुभारंभ कर रहे हैं और स्वयं इस पहली यात्रा से वो केवड़िया से अहमदाबाद की यात्रा करेंगे। तालाब नंबर 3 का ये वाटर एरोड्रोम यानी जलीय हवाई अड्डा। आसमान में उड़ने की तमन्ना अगर आपकी है और पानी में उतरना चाहते हैं तो ये सी प्लेन आपका इंतजार कर रहा है, जिसकी शुरुआत होने जा रही है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो तकनीक है, आपके मन में भी कौतूहल होगा कि इसके पीछे की तकनीक क्या है, कैसे ये कारगर है। तो उसी को समझ रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशेषज्ञ उन्हें बता रहे हैं कि कैसे इसकी लैंडिंग होती है, कैसे इसका टेक ऑफ होता है और क्या संभावनाएं हैं भारत जैसे देश में सी प्लेन के लिए, क्योंकि इससे पहले ये सुविधा इस देश में नहीं है। तो ऐसे में ये बहुत रोचक विषय है, साथ ही साथ संभावनाओं से भरा विषय है। और प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे हैं कि संभावनाओं को संभव बनाना ही जीवन है और जीवन में प्रगति का आधार भी यही है। तो आज पूरे देश के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि देश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है सी प्लेन के रूप में। Sea planes require far more skill, that's what people say, experts say, because they are manually operated and they fly at low levels, not at very high levels. In fact, that's good for tourists because they can get to see or get a better view. But the landing is not on land, as we know, it's on sea, which requires a special skill on water, and that's requiring a special skill. But this seaplane service is a unique service because it not only joins Kevadia to Ahmedabad, but it also joins the Statue of Unity to the Sabarmati Ashram, which are two special areas where, you know, special places where people would want to go and visit. And what better way to do it, you know, than just take a seaplane.
The central government's Udaan scheme is providing incentives and benefits to these services. The scheme is being implemented as per a tripartite agreement between the Gujarat government, the Ministry of Civil Aviation, and the Airports Authority of India. Seaplane एक इस तरह का जहाज होता है जो पानी की सतह से उड़ान भर सकता है और पानी पर लैंड भी कर सकता है. समुद्र, नदी या झील, ये कहीं से भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है. सीप्लेन काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, इनके मुकाबले हवाई जहाज बहुत ऊंचे उड़ते हैं. सीप्लेन में यात्रियों की संख्या भी कम होती है. केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और सीप्लेन के जरिए इस दूरी को तकरीबन 45 मिनट में तय किया जा सकेगा. अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की सेवा से पर्यटन की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा और पर्यटकों को इस सेवा का लाभ उठाने में कितनी सुगमता होगी और यहाँ से यानी केवड़िया से अहमदाबाद और उस दिशा से यहाँ आने में पर्यटकों को बहुत सुविधा होगी. आज इस सेवा की शुरुआत यानी सी प्लेन सेवा की शुरुआत हो रही है. तो 5 घंटे का जो सफर है, यात्रा है अहमदाबाद और केवड़िया के बीच में, वो अब कुछ मिनटों तक सिमट कर रह जाएगी. जो किराया निर्धारित किया गया है वो 1500 रुपये प्रति व्यक्ति एक तरफ का. 19 लोगों की क्षमता होती है इस सी प्लेन की, लेकिन यात्रा 12 लोग आमतौर पर करेंगे. क्रू को मिलाकर के 19 लोग बैठ सकते हैं, यात्रियों को मिलाकर. कनाडा में निर्मित ये विमान है, मालदीव में काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं. और इसी वर्ष जुलाई में गुजरात सरकार, केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें 4 वाटर एरोड्रोम बनाने के लिए करार हुआ था. केवड़िया अहमदाबाद के बीच 2 दैनिक फ्लाइट्स करने की योजना है. माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं पहले यात्री बन रहे हैं इस अविस्मरणीय यात्रा के. 16 सी प्लेन रूट जो हैं वो चिन्हित हो चुके हैं. गुजरात में केवड़िया अहमदाबाद, उसके अलावा पालिताना और मेहसाणा जिलों में भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. इसके अलावा गुवाहाटी, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड में भी योजना है कि सी प्लेन को शुरू किया जाए. और भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत ऐसी सेवाओं को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, उन्हें इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं. Safety instructions being given to the Prime Minister. Normally we see these kind of instructions when we fly in a normal aircraft, but here especially for the Prime Minister to understand what the safety measures are, what he is expected to do in case of a mishap, which of course will not happen, but these are standard instructions which are given to every passenger when they board an aircraft. This aircraft of course is very exciting, a sense of adventure associated with it because you're flying at low altitudes, so you're very close to the ground as it is taking off from water and landing in water. This is something new for India and it is definitely going to be a very popular method of a transport. ये ट्वीन ओटर 300 प्लेन है जिसमें ट्वीन टर्बोप्रॉप प्रैट और विटनी PT6 से 27 इंजन लगा है जो अपने आप में विश्वसनीय है. और अगर इस प्लेन की कुछ और चर्चा करें तो इसका वजन 3377 किलोग्राम है. इसमें 1419 लीटर तक ईंधन भरा जा सकता है. विमान की लंबाई लगभग 16 मीटर है और ऊंचाई लगभग 6 मीटर और ये 5670 किलो तक का वजन ढो सकता है. माननीय प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है सी प्लेन को भारत में लाना और इसे लोगों तक पहुंचाना और उड़े देश का आम नागरिक जो उड़ान योजना है उसमें किफ़ायती दर पर लोगों को उड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. ये भी प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का ही नतीजा था कि उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ और आज उस उड़ान को एक और नया पंख मिलता हुआ सी प्लेन के रूप में. And this seaplane will be operated by SpiceJet and it will be operated under a special company called Spice Shuttle.
and their tickets are available online. And according to reports, the tickets start at 1,500 rupees and may move upwards. But they will have about four flights a day, and that will be two incoming flights, two outgoing flights. So that is as things stand. And it is going to be quite a unique experience. It's going to transform this place. In fact, the Prime Minister also spoke about the seaplane at his Ekta Divas speech today, and talked about how it's going to transform this entire place. And the Statue of Unity itself is a very majestic structure, and you can see it when you land in a seaplane. It's going to be even, you know, it's going to be a breathtaking sight. Not only that, to see the entire layout of the Statue of Unity complex from the air and then land on the Narmada River itself is going to be an unforgettable experience. So this is what tourists would be looking forward to, and I'm sure that this addition to the Statue of Unity complex is going to bring in a lot more enthusiasm, a lot more vibrance into the whole area, which is basically full of theme parks which carry one significant message, which is our country is united. The country is united largely for its own good, and it has a strength in its unity, and that strength is exemplified every day by the people of the country. In fact, the Prime Minister also in his speech today to the youngsters talked about the vision of 25 years from now, and he told them that they have to move from government to governance, and that the people matter more than anything else. The people are the ones for whom policies are decided, and they are the ones who are driving policy. So all these things that we can see that the government has intervened, including even this particular service, is really for the people and driven by the people. ये पानी और जमीन दोनों जगह से उड़ान भर सकता है, और इसके लिए सिर्फ 300 मीटर लंबे रनवे की जरूरत होती है। तो सी प्लेन की सवारी पर हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी। एकता दिवस समारोह जो इस बार बहुत खास बन गया प्रधानमंत्री के दो दिवसीय दौरे से, एक एक करके जो योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई, जिनका लोकार्पण किया गया, और अब उसकी परिणति इस समय हम देख रहे हैं। पूरे देश के लिए ये सीप्लेन सेवा जिसका शुभारंभ किया जा रहा है, और जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं, केवड़िया के इस तालाब नंबर 3 जहां पर ये वाटर एरोड्रोम है, और वहां से अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट। ये यात्रा 45 मिनट की, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है। And we can see that the tail has a dolphin on it, which is also quite nice and representative also of a species that one associates with friendliness and also with the rivers in our country. और जिसका लंबे समय से देशवासियों को इंतजार था, और जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। नागरिक और उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी भी इस अवसर पर मौजूद हैं। अपने आप में ये अनोखा दृश्य भारत के नजरिए से, और जो लोग इस तरह की कल्पना करते हैं, जो सोचते हैं कि कुछ खास करें अपने जीवन में, उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण अवसर।
इस विमान को उड़ान के दौरान प्रति घंटे 272 लीटर ईंधन की जरूरत होती है, और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि दूसरे विमानों के मुकाबले ये काफी कम ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो ये एकता की उड़ान है जो आज मूर्त रूप ले रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सी प्लेन में रवाना हो रहे हैं, केवड़िया के वाटर एरोड्रोम से साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के लिए। नया इतिहास रचा जा रहा है भारतीय पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो, और बेहद खास मौका आगे आने वाले समय में एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो आज मूर्त रूप ले रहा है उसके सुपरिणाम हमें निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। सी प्लेन जिसकी अब तक भारत में कल्पना नहीं की गई थी कि वो यहां उड़ान भरेगा, और आज ये विचार साकार होता हुआ सी प्लेन नर्मदा नदी के जल पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। हवाई जहाज के मुकाबले इसे उड़ाने के लिए पायलट को बड़ी दक्षता की आवश्यकता होती है, क्योंकि हवाई जहाज में बाकी और सिस्टम्स कंप्यूटर्स वगैरह असिस्टेंस के लिए होते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी तकनीक उससे भिन्न है, कुछ अलग है। जैसा हमने आपको बताया था कि हवाई जहाज के मुकाबले सी प्लेन में कम यात्री बैठते हैं, ये 19 सीटर विमान है सी प्लेन। अपने आप में एक अनोखा अनुभव, पानी पर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ और उसके बाद वहीं से टेक ऑफ। सी प्लेन की उड़ान आकाश का एक नया विस्तार, उम्मीदों का आकाश, उन उम्मीदों को पूरा करके तलाश को और विस्तार देने का आकाश। There is something very hopeful about taking to the skies.